हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं ये वीडियो एक शायरी के साथ स्टार्ट करूंगा। मुझे नजरअंदाज ही करना है तो शिद्दत से करना, कहीं नजर आ गया तो अंदाज बदल जाएगा। अब ये शायरी का क्या मतलब है, ये वो लोग जानते होंगे जिन्होंने 13 अक्टूबर के वीडियो को देखा होगा। 13 अक्टूबर के वीडियो को जिन लोगों ने देखा होगा उनको इस शायरी का मतलब समझ में आ जाएगा, और उस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो का इम्पोर्टेंट व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड डिसीजन नहीं लिया होगा स्टॉक मार्केट में, उनको ये उनके लिए ये स्पेशल शायरी है कि मुझे नज़रअंदाज ही करना हो तो शिद्दत से करना, कहीं नज़र आ गया तो अंदाज बदल जाएगा। मीन्स उस 13 अक्टूबर के वीडियो को जाकर देखने की ज़रूरत है, वहाँ हमने क्या बोला था। उसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँगा और उस 13 अक्टूबर के वीडियो को मैं इस वीडियो में लिंकअप भी करूँगा। कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिएगा क्या बोला गया था। और जब भी कोई ट्रेंड रिवर्स करता है तो मैं लगभग मैक्सिमम वीडियो में लिखता भी हूँ कि ये नेक्स्ट 1 मंथ का ट्रेंड, नेक्स्ट 45 डेज का ट्रेंड होने वाला है। मींस अगर बढ़िया वाला ट्रेंड रिवर्स करता है तो नेक्स्ट 45 डेज में ये इस ट्रेंड रिवर्सल का टारगेट अचीव हो जाएगा। मींस अगर ऊपरी लेवल से गिरने वाला है तो नेक्स्ट 45 डेज के अंदर में हम कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास जा रहे होंगे। तो मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। 13 अक्टूबर के आसपास जो भी स्टॉकों का एनालिसिस किया गया था या ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे बोला गया था कि बुरी तरीके से आप फंस सकते हैं, यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, बाजार से निकल जाए, तो आपके सामने है। थर्टीन अक्टूबर के वीडियो में बहुत सारे स्टॉकों का टॉप बन रहा था और वहां से बोला था कि 2-4 दिन के अंदर में ट्रेंड रिवर्स करेगा, तो आप मैक्सिमम स्टॉकों का आप देखेंगे उसी के आसपास टॉप बनते हुए, और उसके बाद जो फॉल देखा गया है, अच्छा खासा फॉल देखा गया है। लाइक XYZ किसी भी स्टॉक का मैं देखता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट इंडसइंड बैंक का मैं देखूंगा, इंडसइंड बैंक का टॉप देखिए 13 अक्टूबर के आसपास, ये 1200 के आसपास होता है और 3 दिन के अंदर में टॉप बनता है और 1240 के आसपास से स्टॉक फॉल करके आज 920% से भी ज़्यादा फॉल किया है। एक्सिस बैंक देखिए, एक्सिस बैंक 13 और 19 के आसपास भी अगर टॉप देखेंगे या 13 के आसपास भी टॉप देखेंगे, 800 के लेवल से 650 के आसपास बॉटम बनते हुए आप देख रहे हैं। और अगर हम और भी किसी भी स्टॉक का देखते हैं, लाइक रिलायंस जैसे स्टॉक का, हेवी वेट की बात कर रहे हैं हम, रिलायंस इंडस्ट्री का भाव देखते हैं तो लगभग 13 तारीख को ये नहीं बोला था यहीं से फॉल करेगा, फिलहाल 3-4 दिन के अंदर में ट्रेंड रिवर्स करने वाला है, तो 13 तारीख के हाई 2700 से स्टॉक गिर के आ जाता है 2300 के आसपास। क्या है ये और ये क्या टाइम फ्रेम है? तो मैक्सिमम स्टॉक आप देखेंगे, जिन लोगों ने इग्नोर किया उनका पोर्टफोलियो खुद जाके आप देखिए कि क्या हुआ। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो नहीं मिला। इतनी एक्यूरेट एनालिसिस के बाद अगर आप लॉस कर रहे हैं तो आप हमारे को इग्नोर कर रहे हैं, और किसी को अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो उनको आप देने की कोशिश कीजिए, मदद तो करें। अगर आप बेनिफिट उठा रहे हैं तो दूसरे को भी बेनिफिट। देखिए, मैं यहाँ पे यूट्यूब केवल अपने बेनिफिट के लिए नहीं आ रहा हूँ, जो मेरे व्यूअर हैं, ये एक सामाजिक काम है और हर व्यक्ति को दायित्व बनता है कि हेल्प करे दूसरे का। कर भला तो हो भला के कंसेप्ट अगर आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पोर्टफोलियो भी राइज करेगा और आपका भी बेनिफिट होगा। केवल अपने तक सीमित मत रखिए, और नज़रअंदाज जो कर रहे हैं वो तो बस ये जो हमने आज मैंने आप लोगों को जो शायरी सुनाया है
वो कि नजर आ जाऊंगा मैं तो आपका नजरिया बदल जाएगा। मुझे नजरअंदाज ही करना हो तो शिद्दत से करना, मीन्स वीडियो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि नजर आ गया तो आपका अंदाज तो जरूर बदलेगा। तो ये मैक्सिमम स्टॉक इस 40-45 दिन के अंदर में अच्छा खासा रिवर्स कर गए, और यहाँ से अगर आप डाउनसाइड ढूंढ रहे हैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। तो यहाँ पे समय से पहले, और मैं यहाँ तेजी की बात करूँगा, यही लोगों को डाइजेस्ट नहीं करता है, यहीं पे नज़रअंदाज करने वाली बातें आ जाती है। यहाँ पे सबको टेक्निकल चार्ट खराब दिखेगा। जब मैं 13 तारीख को वीडियो बना रहा था और अपने ग्रुप में भी मैसेज कर रहा था, तो बोला मैक्सिमम लोगों का यही था कि सर ट्रेंड तो अप है, किस बेस पे आप मंदी कर रहे हो। तो कोई भी ट्रेंड रिवर्स करता है अप से ही रिवर्स करता है, नीचे की तरफ आता है। और अप्स अगर ऊपरी लेवल से गिरावट आएगा तो अप से ही आएगा, और डाउन साइड से जब रिवर्स करने वाला होता है तो ट्रेंड डाउन रहता है तो भी रिवर्स कर जाता है। इसलिए यहाँ पे टाइम साइकिल को फॉलो कीजिए। एक्स एक्सिस का इंपॉर्टेंट है, टाइम का इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑटोमेटिक आएगा। तो ये गैन एस्ट्रो टेक्निक में ये बेनिफिट है, और जिनको भी सीखना हो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, औरों को मदद पहुंचाइए इस वीडियो को शेयर करके। नज़रअंदाज करेंगे तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होने वाला है। डिस्क्लेमर याद रखिएगा, ये मैं एजुकेशनल व्यू दे रहा हूँ, कोई भी प्रॉफिट लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।